डॉक्टर सुधा, जी मैं फिर कह रहा हूं, कोरस नहीं होता राजनीति में, क्या शामिल बाजा नहीं चलता? ठीक, एक इस पाले से गाएगा, एक उस पाले से गाएगा, दो ही उन्हीं में फैसला हो जाता है। मूलतः चुनाव में दो ही पक्ष होते, पार्टियां भले 100 हों, तो एक पार्टी तो अपर हैंड होता है जिसका, वो सामने पता ही होती, दूसरे के लिए संघर्ष होता है कि इससे लड़ता कौन दिखे। ठीक, क्या जिस ढंग से आम आदमी पार्टी अपने पत्ते चल रही है और जिस ढंग से बीजेपी उसको ऐसे अवसर दे रही है ताकि वो एक अपना बड़ा वो कर पाए राजनीतिक कैंपेन, आपको लगता है इससे बाकी विपक्षी दल जो हैं वो थोड़ा चर्चा से बाहर जाते हैं लाइमलाइट से? क्योंकि राजनीति में तो चरण सिंह कहते थे चर्चा पर्चा और खर्चा, हो सकता है आप लोगों से कम समझदार हो चरण सिंह, लेकिन वो कहते यही थे चर्चा पर्चा और खर्चा। ठीक, कि जब तक चर्चा नहीं राजनीति में तब तक बात नहीं बनती। सुधा जी, जी अमिताभ सर, मैं आज आपके ही शब्दों से शुरुआत करूंगी और शब्दों पे ही खत्म करूंगी, आप मुझे प्लीज समय दीजिएगा अपनी बात पूरी करने के लिए। आपने कहा था मादा और मुद्दा, दो शब्दों का प्रयोग किया था, तो अगर भाजपा में ये मादा होता कि उसे देश हित में कुछ करना होता तो वो इस तरह के मुद्दे पैदा न करती, टपकाती नहीं जिसको लोग कैच करें। अब सबको ये समझ में आ गया है कि मादा इनके अंदर नहीं है और मुद्दे इनके पास है नहीं, तो अब इनकी कोशिशें क्या होती हैं कि कैसे हम पिक्चर पूरी करने की कोशिश करें, जबकि राजनीति में खेलने के लिए गेम कौन सा खेला जा रहा है जरूरी इस बात की होती है। अब चूंकि ये इनको खेल कौन सा आता है, गुजरात में आप देखेंगे कि अभी बात कर रहे थे कि युवाओं को दिल्ली में शराबी बनाया जा रहा है, और आपके यहाँ गुजरात में अगर 23,000 करोड़ से लेकर कभी 1,100 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं केमिकल फैक्ट्रियों में, तो उससे जनता का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप जनता को ही बताना चाह रहे हो। जब भी हम देश में इस गुजरात में ड्रग्स का मिलना, केमिकल फैक्ट्रियों में सप्लाई कहां से हो रही है, मुंबई से लेके गोवा तक सप्लाई हो रही है, आप भी जानते हैं इस तरह का ड्रग का खेप मिलना ये देश के हित में नहीं है कहीं से भी। लेकिन बड़ी बड़ी बातें, कोई कहते ना कि आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, इनको बातें करनी है, बातें करवा लो, बाकी काम कोई ढंग का नहीं, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके ये बात करते हैं उन मुद्दों पे इनकी फेलोर रोज देखने को मिल जाती है आए दिन। कभी बिल्किस बानो के अपराधियों को इसे निकाल के बाहर खड़े कर देते हैं और जो दुहाई देते हैं और उनकी पूजा कराई जाती है बाकायदा। तो बात इसकी है जो आपने कहा मादा और मुद्दा, मुद्दे इनके पास नहीं है, मादा इनके अंदर नहीं देश की, और जो पार्टी जिस पार्टी पे लांछन लगाते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी को हमने ये कर दिया वो कर दिया, पुरानी पार्टी होने के बाद भी एडीआर जब एक लिस्ट निकालता है सबसे अधिक देनदारी और पैसे वाली पार्टी कौन है, तो भाजपा आती है। अरे बताइए ना, आप करप्ट नहीं थे इतने कम सालों में इतना पैसा, मतलब करप्शन की तो अपने इंतहा पास कर दी होगी। बस ठीक है सुधा जी, ठीक आप उनको निकलने देने, ठीक है ठीक है ठीक है। एक संस्कृत पाठशाला पुराने जमाने में होती थी, अब तो आप लोगों ने पता नहीं देखी भी नहीं होगी। ठीक, मेरे जमाने में होती थी कुछ। अब संस्कृत पाठशाला में पता लगा ना मास्टर बच्चा ना बच्चा, और सामने खुल गया एक बड़ा स्कूल, शीशे पीछे लगा झमाझम बिल्कुल एसी फेसी है, वहां रेला आने लगा। संस्कृत पाठशाला में जो एक पंडित जी बचे हैं वो मान लीजिए रोज सुबह बाहर आके बैठे हैं और कहें कि देखो नाश हो गया, ऐसा कर दिया, चरित्र भ्रष्ट कर दिया, दिश कर दिया, शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी, उससे कोई फर्क पड़ रहा सामने वाले स्कूल की सेहत पर? नहीं ना, उसके यहां तो लाइन लगा के एडमिशन ले रहा आदमी। बेहतर होता पंडित जी पाठशाला सुधारते तो 2-4 बच्चे वहां भी आ सकते थे। ठीक, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए राजनीतिक दलों को। आपके सारे मुद्दे सही हैं या गलत हैं ये इस बात से तय होगा कि जनता ने मोहर कहां लगाई, सिर्फ इसके अलावा कोई दूसरा पैमाना है ही नहीं लोकतंत्र में, बाकी सब बातें बेकार। अभिषेक वाजपेयी जी, सारे मुद्दे एक तरफ, जनादेश जिस मुद्दे पर आया, जिन मुद्दों पर आया, जिन बातों पर आया, वही जनता की आवाज, वही जनता का मन। अदालत में वकील, दोनों तरफ के वकील लड़ते हैं, अंत में जजमेंट जिस पर आता वही चीज रिकॉर्ड में जाती ना कि ये सच है, यही जाता है ना। तो लोकतंत्र में भी जब रेफरेंडम है, जब जनादेश है, आप सारे मुद्दे गिना देते हो और रेफरेंडम आता है तो पता लगता है कि उसमें आपके मुद्दों पर जनता तो वोट नहीं कर रही, फिर
वाजपेयी जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अमजाद जी की आपने भी जब अदालत की बात भी कही जी, लेकिन हम सभी अदालतों का सम्मान करते हैं और मानते भी हैं, लेकिन अब भरोसा कितना रह गया ये सबसे बड़ी बात है। जब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जब सुप्रीम जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति जाकर के भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले सकता है, वहां से अच्छी जगह पे पहुंच सकता है, तो किस चीज की बात कही जाए? एक नहीं कई सारे प्रकरण है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है, या सरकारी तंत्र के कहां पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किस किस जगह पे मलाई चाट रहे हैं, या किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों को जनता इन चीजों को भी देखती है। लेकिन जो आपकी बात से बिल्कुल ठीक बात है, हम अपना काम कर रहे हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों की बात करेंगे और हर एक जनता जनार्दन की बात करेंगे, और जनता की इच्छा कहां से वो बटन दबाती है हम उसको बिल्कुल मानते हैं। जनता का जनाधार उनको मिला हो तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज की, क्योंकि आज आपकी सरकार है, कल किसी दूसरे की भी सरकार होगी, और जब सरकार होगी तब आप किसी दूसरे पे लांछन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, तो आज कांग्रेस पार्टी को दुख भी हो रहा होगा कि उन्होंने शुरुआत की थी, तो उसका भारतीय जनता पार्टी अगर फायदा उठा रही है तो किस तरीके से फायदा उठा रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं, कितनी बुरी तरीके से फायदा उठा रही है, ये हम सभी पार्टियां जानते हैं भाई, ठीक। क्योंकि काम करना है हमको, जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन हम उसमें फेलियर हो चुके हैं, क्योंकि जनता जनार्दन आज सिर्फ टीवी पे देखना चाहती है कि उनके कौन से मुद्दे पे बात हो रही है कि नहीं हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों से ध्यान भटका देती है। एके मिश्रा, मैं आज के विषय पर रहता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी को इस रेट कांड से फायदा होगा? क्योंकि राजनीति में ऐसी छापेमारी लगभग फायदा देने वाले सौदे होते हैं, मैंने देखा है जी। देखिए अमिताभ जी, आपने एक बात और बहुत अच्छी उठाई थी जी, कि भाई आम आदमी पार्टी ये फायदा लेने की कोशिश कर रही है, जो बोल रही है कि भाई हम बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहे हैं इसलिए बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं जी। तो अब फायदा होगा अगर ये बरी हो जाते हैं, कट्टर ईमानदार वाली छवि तब इनकी और मजबूत हो जाएगी, हालांकि ऐसा तो मुझे दिखता नहीं है। अभी पीछे जो है अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी तो सही हुई, लेकिन ये हुआ कि वो बरी नहीं हो पाए, उनके खिलाफ चार्जशीट वगैरह प्रमाण वगैरह मिल गए। अगर हर बार ये गलत और दोषी साबित होते जाएंगे तब तो बेनिफिट जो है बीजेपी को हो जाएगा, जो आपने बोला कौन किसको समझा पाता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई कबूतर की तरह आंख बंद अगर कर ले विपक्ष जो है और सोचे बिल्ली उनको ना झपट्टा मारे, भाई सब कुछ ओपन है पॉलिटिक्स में, आप जानते हो पक्ष विपक्ष 360 डिग्री से जहां से मौका मिलता है एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब ये बात बोलना कि जी आप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो, अरे आप भी करते हो, पार्टी के अंदर भी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं, प्रहार करते रहते हैं अपने व्यक्तिगत कद को बढ़ाने के लिए, और पार्टी के बाहर यानी इंट्रा और इंटर दोनों लेवल पे होता है। तो मैं विपक्ष को ये बोलूंगा कि इतना ये आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी जो राइवल पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे जो भी हो, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी? यहाँ सारे मित्र भी तो एक दूसरे के ऊपर अटैक ही कर रहे हैं ना, तो ये तो राजनीति का आवश्यक अंग है, नेसेसरी इविल है। ठीक बात, जो इसमें जीत गया, जिसने महारत हासिल कर ली, वोट उसी को पड़ गया। ठीक बात, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा उत्तर दीजिएगा मोहम्मद तकी, के अगर लगा रहा हूं इसलिए मुझ पर एकदम मोहम्मद कर दीजिएगा अटैक, अगर मनीष सिसोदिया सतेंद्र जैन की तरह अदालत में उस स्थिति में जाकर खड़े हो गए कि अदालत ने कहा कि हाँ प्राइमा फेसाई केस बनता है, चार्जेस फ्रेम करो, तब समाजवादी माफ करिएगा आम आदमी पार्टी का ये कार्ड, सतेंद्र जैन मैंने बताया, सतेंद्र जैन, जनरल सिंह, आतिशी और राघव चड्ढा, ये लोग आम आदमी पार्टी का फेस नहीं है, सिर्फ दो लोगों पर आम आदमी पार्टी, अरविंद और मनीष, बाकी सब जनता है। ठीक, वो सब बंद कर दो तो भी फर्क नहीं, सबको छोड़ दो तो भी बहुत फर्क नहीं, क्योंकि उनके चेहरे से तो वोट आ नहीं रहा, लेकिन मनीष उसमें है ऑर्बिट में, तब क्या करिएगा? देखिए बिताब जी, आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होते, आरोप सिद्ध नहीं होना पड़ता, कोर्ट का वर्डिक्ट भी आता है, अगर सजा होती है तो उसमें आप कहते कैसा हुआ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें विश्वास तो सत्येंद्र जैन में भी था आपका पूरा,
रुकोगे बड़े भोले हो सीबीआई वाले कोई भी इंडिक्शन लगा क्या बात है क्या बात है क्या वर्डिक्ट आ गया क्या कोर्ट के अंदर से क्योंकि जेल हो गई क्या लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है आप देखिएगा इसके अंदर दोनों चीजों के अंदर दोनों लोग भाई साहब बने होंगे साफ होंगे और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अच्छा तब तक मंत्री रहेंगे ठीक है तब तक मंत्री रहेंगे बिल्कुल ठीक समझ ठीक बिल्कुल अच्छी बात है ठीक।